हाय, तो पिछले ना कई दिनों से शादी की शॉपिंग चल रही है। मेरे देवर जी की शादी है, तो ना रोज के रोज रोज सुबह घर के काम करना, फिर मार्केट जाना। मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे मिनी ब्लॉग जो लोग देखते हैं, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, वो लोग सब जानते होंगे। तो अब हर दिन का मैं, मतलब ऐसे मैंने फुल ब्लॉग तो नहीं डाला, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मैंने अब स्टाइलिंग वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। साड़ी कैसी, ब्लाउज कैसा, प्रॉपर इन सब के वीडियो आएंगे जो आपको ज़्यादा पसंद है, और मिनी ब्लॉग के थ्रू आपको ये सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो अभी मैंने क्या सोचा कि अभी मैं ना सब कुछ पैक कर रही थी घर जाने के लिए, सामान जमा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ मतलब लेके बैठती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज देवउठनी ग्यारस का इतना अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना मतलब संग में ये भी कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना। ऐसा होता है कि आज का दिन शुभ है तो उस दिन कर लेते हैं। प्लस मैं बहुत ज़्यादा सामान आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं भी ये वीडियो वुड बी ब्राइड देखे तो उसको तो सारा सस्पेंस खुल जाएगा, सारा सामान दिख जाएगा ऑलरेडी ना। तो अपन क्या करते हैं, मतलब मैं आपको फर्जी दिखाती हूँ कि मैंने ये साड़ी ली है, ये करा। बाकी का मैं आपको मेरे सामान के साथ बताऊंगी कि कैसी साड़ी ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैंने किया है ये एक के सिक्के से, हल्दी और खड़े चावल रखे हैं। अभी इस पे ना हम लोग तिलक लगाएंगे। ये साड़ियाँ रखी हैं, बिंदी के पैकेट रख लिए हैं, इन सबको पैक कर दूंगी मैं, और साथ में ये रख लिया, एक साड़ी पैक करते दिखाऊंगी भी, और उसके बाद एक एक करके पहले हम साड़ियों से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं अभी बैग पैक करने लग गई हूँ, मतलब स्टार्ट हो गया है, और सोचा कुछ एक नज़र आपको साड़ी पर डलवा देती हूँ, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी नज़र। तो ये जो मेन साड़ी है वो है, मैं तो मेन इसके ब्लाउज दिखा रही हूँ आपको। ये इसका ब्लाउज मैंने ना सामने से फ्रंट बिल्कुल सिंपल सा बनवाया, और इसकी जो मेन कलाकारी करवाई है वो इसका बैग देखो जरा, देख रहा है इसका बैग पूरा प्रॉपर डिटेल। तो इसके बैक में मैंने ऐसे भैया का नाम लिखवा लिया है, तो मतलब अच्छा लगता है। और मतलब इसमें ना यहाँ पे मैंने, ये देखो नीचे अगर दिख रहा होगा आपको, तो फ्रिल की डिटेल ऐड करवाई है। ये वाली लेस तो ब्लाउज में आई थी, और ये वाली जो लेस अलग से लगी है ये हमने अलग से लगवाई है। ये लेस सेम हमने सामने भी लगवाई है, और जो इसका ये वाला जो इस तरीके से गला आएगा, उसमें जो नेकलेस वगैरह नई नई लड़की पहनती है ऐसे गोल्ड वगैरह नेकलेस, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो यस, एक ब्लाउज ये है, ब्लाउज आइडिया भी आपको हो जाएगा। और ना एक ब्लाउज ये वाला, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे बता दूंगी तो सब सस्पेंस खुल जाएगा, तो किसी और ब्लाउज हॉल में शादी के बाद शेयर करूंगी, फिलहाल मैं दिखा रही हूँ। एक ये वाला है, और इसकी भी एल्बो स्लीव्स हैं, इतना बड़ा इसका बॉर्डर है, और ना मैंने इस पे क्या कर, ये छोटी छोटी डिटेल्स करवानी होती है, मैंने इसे ब्लू कलर की पाइपिंग करवाई है। जब ये जो साड़ी है ना, मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, वन सेकेंड, ये साड़ी जो है इस पे ये ब्लू कलर की ऐसी पाइपिंग थी, तो मैंने क्या करा, इस ब्लाउज को भी पूरे पे पहले ब्लू कलर की पाइपिंग इस तरह से ऐड करवाई, एल्बो स्लीव्स बनवाई, बैक में ये ब्लू कलर का मैंने ऐसा बटन बनवा लिया, ये बहुत सुंदर लग रहा है, और बस बैक सिंपल सा बनवा लिया, क्योंकि नई नई लड़कियां होती हैं ज्यादा तामझाम वाले तो ब्लाउज पहन नहीं पाती हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो थोड़ा सा डिटेल ऐड कर लो तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। बनवाए मैंने सबके हैं, लेकिन फिलहाल अभी सब नहीं बता सकती हूँ, हम अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लें क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं। तो अभी ना हमने पैकिंग कर ली है, मतलब सब में ना क्या करा, अंदर खुपड़ी भर दी, एक एक बिंदी रख दी, और ऐसे ऊपर से लगा दी, थोड़ा सा ऐसे और अच्छा लगेगा। वैसे और भी बहुत अच्छी अच्छी पैकिंग होती है, लेकिन अगर मुझे लोकल में करना होता तो मैं करती, अब मुझे ललितपुर से इंदौर जाना है तो मैं इतनी सारी ये सब करके कैसे जाऊंगी, तो इसलिए फिलहाल तो मैं नहीं कर रही हूँ। अभी फिलहाल तो मैंने सिंपल वाली पैकिंग करी है। तो यस, ये इस तरह से मैंने सारी साड़ियाँ पैक कर दी प्रॉपर, और बहुत अच्छी लग रही है इस तरीके से। और आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि ना थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करनी, इसलिए सारा सस्पेंस मतलब निकल जाएगा, सारा सरप्राइज खुल जाएगा, इसलिए मैं भैया का नाम नहीं बता रही हूँ, और सारे सामान को थोड़ा सा ब्लर करके ही दिखा रही हूँ। सामान बहुत सारे हैं, हम लोगों ने छोटी वाली ट्रॉली ली यहाँ पे। तो गाइस, रुको मुझे बात करने दो। गाइस, रात के 12 बजे ये ब्लॉग चालू हुआ था, 11:30 बजे, और बीच बीच में पता मैं क्या देख रही थी, बिग बॉस चुप रहे बिग बॉस। और जरा बताओ सबको कि आप अभी तक क्यों नहीं सोई किस। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ से ना मैं अब आपको मेरा खुद का सामान रख के दिखा रही हूँ, प्राइवेसी कंसर्न के कारण मैं वो नए सामान अभी नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको फुल आइडिया दे रही हूँ कि मैं क्या क्या ले जाऊंगी बैग में। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले अपनी जो 5 साड़ियाँ हैं उनके ब्लाउज पेटीकोट सब किट में साथ में रख ली हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ब्लाउज रखे हैं मैंने, रेड येलो ग्रीन, जो थोड़े कॉमन टाइप के रेडीमेड वाले हैं वो ब्लाउज रखे हैं। अभी मैं आपको पैड का पैकेट दिखा रही थी, सबसे ऊपर रखी हुई है 2 मेकअप की किट। मेकअप की किट में क्या क्या है उसका वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं अलग से बना दूंगी। एक गर्म सूट रखा है क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है। ये गर्म सॉक्स रखे हैं सबसे ऊपर, विंटर एसेंशियल वाला वीडियो आप मेरा देखना, उसमें मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं। अब 2 किट रख रही हूँ जिनमें से एक में हैंकी है और एक में अंडर गार्मेंट्स है। जो हैंकी है ना वो कॉटन वाले नहीं है, ऐसे तौलिया वाले हैं। बिना आप लोगों को, जो ब्राइड्स जो वुड बी ब्राइड्स हैं उनको एक बात कहूंगी कि मेकअप के साथ बिल्कुल मत सोना, भले ही ये जो हैंकी
चीजें रखें इसमें, जब मैं आपकी मेकअप किट का बताऊंगी तब बताऊंगी, माइसेलर वाटर या मेकअप रिमूवर लेके जाना और इन हैंकी में लगा फेस जरूर वॉश करके सोना। इसके बाद मैंने दो स्टॉल रखी है, एक सिंपल वाली गर्म वाली और एक रखी है मैंने वेलवेट की। यहाँ पे मैं आपको दो पर्स भी दिखा रही हूँ, एक पर्स में मैंने जो खुले खुले पैसे होते हैं 10K 20K 50K स्टार्टिंग में पूजा वगैरह होती है ना तो, या फिर स्टार्टिंग लोगों को पैर पड़ के भी देते हैं तो 100 रुपए 500 रुपए ऐसे, और जो दूसरा पर्स है उसमें जो मम्मी घर से थोड़े नोट पानी मिलते ना वो रखे हैं। इस पन्नी में मैंने अपनी देवर नंद और जो छोटे बच्चे रहेंगे जैसे किसी की जेठानी होगी उनके बच्चे होंगे या घर में जो भी अपनी जब शादी होने वाली होती बात तो होती है ना तो पता रहता है कौन कौन है घर में छोटा या लाड़ का कोई भी, तो उन लोगों के लिए गिफ्ट्स रखे हैं। इसका वीडियो मैं अलग से लेके आऊँ कि मैंने गिफ्ट्स में आप 250-300 इस रेंज तक की क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं। अब जो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि शैम्पू कंडीशनर फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ, ससुराल से मेकअप किट आएगी लेकिन फिलहाल तो जो मेरे पास से मतलब जो मैं यूज़ करूँगी वो ले जा रही हूँ। अब इमरजेंसी के लिए मैंने सुई धागा रखा है क्योंकि कभी भी कुछ भी उपड़ सकता है वहाँ पर, नए नए पे अपन किससे मांगेंगे। जिन लोगों को सिलाई नहीं आती है वो लोग फैशन टेप फेविक्विक ये सब जरूर रख लेना, बहुत काम की चीज़ें यार बहुत काम आती हैं। डबल साइडेड टेप भी रख लेना। मूव रख रही हूँ मैं क्योंकि सर्दियों के टाइम में कुछ भी दर्द होने लग जाए क्या भरोसा। विक्स रख रही हूँ मतलब कोई भी इमरजेंसी बिल्कुल खाली नहीं जानी चाहिए। मूव का आप स्प्रे भी रख सकते हो, इसके अलावा बॉलिनी स्प्रे रख सकते हो। ये कैंडिड पाउडर नए नए पे ना वहाँ पे जब आप शादी करके जाओगे तब आपको समझ में आएगा बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होंगे, तो स्पेशली जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कैंडिड पाउडर की, तो आप ये ले जाना। जैसे स्टार्टिंग में इचिंग वगैरह होती है बहुत सारी चीज़ें होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये जो कैंडिड पाउडर है ये बहुत हेल्प करता है। मेरे सारे सामान ऑलमोस्ट हो गए हैं, मैं याद कर रही थी शायद कि मैं क्या रखना रह गया है, तो मैंने ग्लिसरीन रखी है। इसके अलावा आप बॉडी लोशन वगैरह रख सकते हैं लेकिन मुझे लगता है ग्लिसरीन सबसे बेस्ट रहती है, मुझे तो वही सबसे बेस्ट लगती है। सेंसोडाइन टूथपेस्ट रख लिया जो मैं यूज़ करती हूँ, और साथ में अपने मम्मी पापा का फोटो। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका मन हो तो ले जाना, नहीं मन हो लेकिन मेरे पास ये आज भी है, मेरी शादी को 8 साल हो गए और मुझे उसको देख के लगता है मम्मी पापा मेरे साथ ही हो। सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो मेरा मेरे सामान से बनाया है क्योंकि मैं अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मेकअप किट में क्या रखा गिफ्ट क्या रखा इन सब का आइडिया मैं आपको अलग अलग वीडियो में दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।